यारी साहब कहते हैं मेरा यार कौन मेरा यार राम है कहां है ले मेरे में ही है अब ये रिमझिम रिमझिम बरसा राम की इसमें भीगेंगे कैसे तो वो कहते हैं बिन बैराग भेद नहीं पावे आओ बेटा जी बैराग करके आओ फिर भेद बताएंगे आपका बैराग तेरे से होना नहीं भेद हमने बताना नहीं आप बेईमान लालची लोग क्या करते हो कहते बैराग ना कराओ भेद बता दो यारी साहब कहते हम नहीं बताते अच्छा मजे की बात अब मैं बहुत कुछ बताती हूं मैं तो मना नहीं कर रही मैं नहीं बताऊंगी मैं बहुत कुछ बताती हूं तो मतलब मेरी और यारी साहब की तो कंट्रोवर्सी हो गई वो कह रहे मत बताओ और मैं बता रही हूं नहीं कंट्रोवर्सी नहीं शब्द का कान से टकरा जाना सुंदर नहीं होता उस तरंग का दिमाग में जाके प्रभाव दिखाना सुनना होता इसलिए हम बेखटके बोलते हैं जो बोलना है क्योंकि जिसके अंदर वैराग्य होगा वो समझ लेगा जिसके अंदर वैराग नहीं होगा वो कहेगा अच्छा ही बोलते हैं क्या बोलते हैं अच्छा ही बोलते हैं क्या बोला था उन्हें बहुत कुछ बोला था सीटी दे देंगे सुन लेना तुझे क्या आया दैट इज सो ट्रू अच्छा एक बात मुझे बताओ मैं 20 साल तक के गधे को उपनिषद सुनाऊं वो ब्रह्मज्ञानी हो जाएगा चलो 50 कर लेते हैं इतना अच्छा तो लंबा जीवन ब्र... उसका होगा ही नहीं पर चलो फिर भी थॉट ज्ञान होने के लिए गधा नहीं ज्ञान होने के लिए गणपति जैसी बुद्धि होनी चाहिए देखिए गणपति जी के लिए कहते हैं उनकी दो पत्नियां थी एक रिद्धि और एक सिद्धि इसका अर्थ क्या है जिसके पास ज्ञान होता है उसी के पास रिद्धि उसी के पास सिद्धि होती अगेन इट इज अ कोडिड लैंग्वेज गणपति की दो पत्नी एक रिद्धि एक सिद्धि स्टोरी है बट वट इट मीन्स जिस दिन आपकी बुद्धि में ज्ञान स्थापित हो जाता सुनना नहीं कान में आना नहीं स्थापित हो जाता जब आप ज्ञान निष्ठ हो जाते वो कौन होगा वो यारी साहब ने प्रिंसिपल दे दिया है वैराग है तो इस भेद को समझ लेगा भेद को समझ लेगा तो ज्ञान बुद्धि में स्थापित हो जाएगा ज्ञान बुद्धि में स्थापित हो गया तो रिद्धि नौ निधियां और अठारह सिद्धियां होती हैं वो सारी उसको प्राप्त हो जाएगी जिसके ज्ञान नहीं है वो टर्राता रहे मेंढक की तरह जितने मर्जी मंत्र बिना वैराग्य भेद नहीं पावे वैराग्य चाहिए उसमें केतो पढ़ पढ़ रच रच गावे कितने पढ़ पढ़ के गा रहे हैं इन विद्याओं को कुछ नहीं होता ज गावे त अर्थ बिचारे जो गा रहे हो बेटा उसका अर्थ का विचार किया और अगर अर्थ का विचार कर लिया आप तरे और उनको तारे वो आप भी तर जाएगा दूसरे को भी तार देगा यारी अपना अनुभव दे रहे राम रम झनी यारी जीव के वो स्वयं को जीव कह रहे मैं जीव यारी का यार है राम अब अजीब सी बात नहीं लगती कि वो तो कह रहे हम राम रस पीते राम रस मीठा रे जो पिएगा बस वही जाने कोई पीवे संत सुजान तो संत होना पड़ेगा ना ये राम रस पीने के लिए अच्छा आप मध्य प्रदेश में चले जाइए ना मैंगो जूस को भी वो राम रस बोलते हैं वो वाला पी लो अंदर वाला रामरस तो बिना वैराग्य के नहीं आएगा वैराग्य की पृष्ठभूमि में इन द फोरग्राउंड ऑफ डिस पैशन ऑफ वैराग्य वेन द राम मंत्र इज डन विद राइट टेक्नोलॉजी देन यू विल एक्सपीरियंस द सेम जॉय द सेम आनंद एक्स व्हिच यारी साहब इज एंड दर महात्मा एंड सीजीज है तो अब बात यहां आ रही है कि मंत्र क्या यह भी बड़ा जरूरी विषय है कैसा मंत्र हो यह भी बड़ा जरूरी विषय है और फिर मंत्र कैसे किया जाए ये उससे ज्यादा जरूरी विषय तो मंत्र सिद्धि क्या होती है ये किसको कहते हैं ये कैसे प्राप्त होती है इस विषय पर चर्चा हम अगली सीटिंग में करें कल शाम में जो अभ्यास मैंने करवाया उस अभ्यास में अधिकांश लोग स्पंदनों को पकड़ नहीं पाए कारण उसका एक तो शरीर में है क्योंकि लोअर एब्डोमिनल एरिया को कभी एनर्जाइज नहीं किया स्पाइनल एक्सरसाइजेस नहीं हुई हैं। जब हम स्पाइनल एक्सरसाइज की बात करें हाउ टू एक्सरसाइज योर स्पाइन जिम में रोड पे दौड़ने बगीचों में जॉगिंग करने वाले हैवी मशीनरी के साथ एक्सरसाइज करने वाले सब लोग मसल्स पे काम कर लेते हैं लिगमेंट्स पे भी काम कर रहे हैं पर उसमें फिर उनका वेर एंड हो जाता है हार्ट लंग्स पे भी काम होता है जब आप दौड़ते हैं इट वर्क्स योर लंग्स हार्ट रेट पल्स अफेक्ट्स द ब्रेन यू फील गुड बट किसी भी एक्सरसाइज में स्पाइन का कोई लेन देन नहीं हुआ और हमारी स्पाइनल कॉर्ड से नर्व्स निकलती हैं और हमारे सभी महत्वपूर्ण अंगों के संचालन के लिए कनेक्टिविटी ब्रेन की इन्हीं नर्व्स के द्वारा किडनी हो स्प्लीन हो आते हो गल बेडर हो तो उस डायग्राम को अगर आप देखेंगे तो एक पूरा नसों का जाल है अब आपने कभी अगर स्पाइनल एक्सरसाइजेस स्पाइनल ट्विस्टिंग एक्सरसाइजेस वाया वायदा यौगिक आसन नहीं किए तो हम कह सकते हैं कि आपके उस हिस्से और उन उन ऑर्गन की फंक्शनिंग में आज नहीं कल डिपेंडिंग ऑन बॉडी टू बॉडी एंड एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस उसमें उसके फंक्शनिंग में दिक्कतें होंगी या आएंगी तो जब आप आसन करते हैं भुजंग सर्पासन त्रिकोणासन वीरभद्रासन जब आप चंद्र नमस्कार करते हैं सूर्य नमस्कार करते हैं पादहस्तासन आसन करते हैं पर्वत आसन करते हैं तो हर आसन एक पर्टिकुलर नव के ऊपर और उससे रिलेटेड उस ऑर्गन के ऊपर अपना प्रभाव दे रहा है आप सर्वांगासन करते हैं तो थाइरोड पैराथाइरोड ग्लैंड के ऊपर ऑक्सीजनेटेड ब्लड रश जाता है ब्रेन आईज नोज टंग ईयर की फंक्शनिंग अच्छी होती है ब्रेन गेट्स नरिश्ड विद एंटी एंटीग्रेविटी पोज तो मैं ये समझती हूं कि जिनको अपने शरीर से जीवन से अत्याधिक प्यार है मोह है तो उनको तो आसनों का अभ्यास ज़रूर ही करना चाहिए क्योंकि आसनों के द्वारा ही वो उसे स्वस्थ बनाते हैं और फिर वो बिना किसी रोग क्या रोग की कॉम्प्लिकेशन के वो अच्छे से जीवन यापन करेंगे अब शरीर होगा तो भोग भोगोगे शरीर स्वस्थ होगा तो खाओगे पियोगे दौड़ोगे भागोगे अगर शरीर ही अस्वस्थ है मैं अभी बस यहाँ आते आते एक हमारे अमेरिका से आए हुए थे तो उन्होंने बताया कि उनकी फैमिली में ठीक ठाक शरीर ठीक ठाक आदमी देखने को सडनली पेन हॉस्पिटलाइज होते हैं किडनी में ट्यूमर निकलता है सर्जरी करते हैं ट्यूमर कैंसरस निकलता है अब अब क्या होगा डॉक्टर कहते हैं इट्स ए फिफ्टी फिफ्टी ट्रीटमेंट करेंगे अभी फॉलोअप तो होगा उसका लेकिन वो क्या दूसरी जगह नहीं फैल गया पता नहीं अब अगर शरीर की बीमारियों की बात करने लग जाए ना तो उसका तो कोई एंड नहीं है हार्ट लंग्स ब्रेन पैनक्रियास जिससे आपको डायबिटीज आता है ब्लड रिलेटेड सर्कुलेटरी ब्लड प्रेशर आ जाता है बीपी बहुत हाई हुआ स्ट्रोक के चांस बन जाएंगे ब्रेन क्लॉटिंग के चांस बन जाएंगे हार्ट के स्ट्रोक के चांस बन जाएंगे स्त्रियों को लें तो हार्मोनल इंबैलेंस पीसीओडी फाइब्रॉइड्स ट्यूमर्स ऑल it इट कैन हैपन इन मैन एंड And एंड and challenges चैलेंजेस ऑफ बोथ मैन एंड because बिकॉज ऑफ स्ट्रेस diseases. डिजीजेस तो मैं नहीं समझती हूं कि आपके पास जरा भी विवेक है और आप ये सब सुने और समझें और उसके बाद आप आसनों को तरीके से करें नहीं सीखे नहीं और अगर ऐसा होता है तो फिर इतना ही कह सकते हैं कि अभी आपके पास बुद्धि नहीं है कार किसी की गैराज में खड़ी हो तो यह जरूरी नहीं कि वो कार चलती भी है शो पीस हो सकता एंटीक पीस हो सकता तो कईयों के पास बुद्धि एंटीक पीस की तरह ही है वी एबल टू यूज इट एवर दे वेट इट करेक्टेड एवर कबीर कहते हैं ना कि भूखे आए नंगे मरे बच्चा पैदा होते ही भूखा होता है पहली सांस अंदर छाते ही पहला श्वास बच्चे का जन्म के बाद होता है माँ के गर्भ में तो वो श्वास ले ही नहीं रहा है वो ब्लड से सीधे ऑक्सीजन जो है उसको सप्लाई हो रही होती देखिए वहां पर एक ऐसा या एक एक ऐसा ऑर्गन एक ऐसा यंत्र बना रहता है इन द लंग्स जहां वो फंक्शनल होगा ही तब जब वो मां के गर्भ से बाहर आएगा पहली सांस जब वो लेता है फिर ये हुआ बंद और अब इसके लंग्स होते चालू लंग्स चालू हो जाते हैं दिल चालू हो जाता है ऑन इज ओन द बेबीज हार्ट विल बी बीटिंग ऑन इज ओन द बेबी विल बी ब्रीदिंग एंड नाव इज द टाइम ऑन हिज ओन ही यूजिंग इज ब्रेन ऑल्सो पर दिमाग अपने आप नहीं चलता है जैसे बच्चे के मस्तिष्क को हमें ट्रेन करना पड़ता है तो सीखता है समझता है और फिर धीरे धीरे शिक्षा एक्सेट्रा एक्सेट्रा वो सब लेते 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 बुद्धि अच्छी चलने लग जाती बट अफसोस इस बात का है आजकल के मॉडर्न माता पिता को बच्चे को दूध पिलाओ अच्छा महंगा पाउडर लगाओ महंगे कपड़े महंगे टॉयज दे दीजिए एंड एनी थिंक देर जॉब इज डन बट दे डोंट नो कि बच्चे की ब्रेन की फाइन ट्यूनिंग इसी अवस्था में होनी चाहिए और वहां पर मंत्रों का एक बहुत बड़ा रोल आ जाता है मंत्र वह साउंड करंट है जिस साउंड करंट के द्वारा भौतिक वस्तुओं को बदला जाता है उसके लिए मैं चाहूंगी कि एक वीडियो हम आपको दिखाएंगे जिसमें सरामिक प्लेट जिसको इलेक्ट्रिसिटी के साथ जोड़ा गया इस प्लेट के ऊपर सॉल्ट नमक डाला गया और डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की साउंड वेव दी गई इलेक्ट्रिसिटी पास की गई अलग अलग फ्रीक्वेंसी कम से शुरू हुई फिर ज्यादा फिर ज्यादा फिर ज्यादा फिर ज्यादा फिर ज्यादा तो इलेक्ट्रिसिटी करंट के फ्लो होने पर नमक के ऑटोमेटिकली डिजाइन्स बनने लग गए प्लेट मूव हो रही है वेरी सटली एंड इट इज पुशिंग द सॉल्ट पार्टिकल्स टू टेक अ शेप कम फ्रीक्वेंसी का साउंड है डिजाइन कुछ और है हायर फ्रीक्वेंसी का है डिज़ाइन कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और हायर फ्रीक्वेंसी की जब करंट दी जाती है तो उसके और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड डिजाइंस बनने शुरू हो जाते है. नमक के वो जो छोटे छोटे बारीक पार्टिकल्स हैं यहां फ्रीक्वेंसी बदल रही है यहां नमक बदल रहा क्योंकि ब्लैक प्लेट को यूज किया गया ब्लैक और उसके ऊपर वाइट सॉल्ट तो दोनों का कंट्रास्ट है तो जो चेंजेस आ रही हैं वो चेंजेस जो है वो बहुत विजिबल हो जाती जो फ्रीक्वेंसी नमक को बदल रही है तो ये प्रभाव एग्जैक्टली exactly मिलता जुलता आप किस अक्षर की किस शब्द की इंटोनेशन करते हैं उसके प्रभाव से आपका मस्तिष्क में आपके शरीर में चेंजेज आने लग जाते हैं। हर अक्षर का एक अपना साउंड करंट वेव उसकी एक अपनी फ्रीक्वेंसी होती है उसकी अपनी एक फ्रीक्वेंसी है अब नमक को बदल रहा है यह आप अभी देखिए और फिर इसके बाद मैं इस विषय को और आगे बढ़ाऊंगी टोन जेनरेटर यूज किया है जिसकी पिच को बढ़ाते हैं तो जियोमेट्रिक पैटर्न इसके ऊपर बता रहा है 345 हर्ट्ज हर्ट्स दिया जा रहा है ये नमक का पैटर्न पहला है वन थाउजेंड हर्ट्स पैटर्न नमक का चेंज 4280 हर्ट्ज हर्ट्स में डिजाइन फिर नया चेंज हो जाता है ज्यों ज्यों उसकी पिच बढ़ा रहे फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं त्यों त्यों जियोमेट्रिक डिजाइंस बदलते जा रहे हैं साउंड फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन दिस मेक्स चेंजेस राइट हम ऐसे दस बार बोल लो मंत्र करने से जीवन बदलता है समझ नहीं आती और जो ये कहते हैं कि साइंस और धर्म का विरोध है आई थिंक सो दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल आई एम यूजिंग अ साइंटिफिक मॉडल प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड फिजिक्स ऑफ इट टू प्रूव अ पॉइंट इसमें बहुत सारी और भी चीजें हैं इन्वॉल्व इसमें इसमें हमने एक रिसर्च um, हुआ कैनेडा uh, में वहाँ पर यूनिवर्सिटी है मैकगिल यूनिवर्सिटी मॉन्ट्रियल में साउंड का म्यूज़िक का क्या इफेक्ट आता है लोगों के ऊपर इसकी खोज करने के लिए उन्होंने 217 लोगों का रेंडम उन्होंने कहा कि जो भी चाहें इस स्टडी में वो अपना नाम दे सकते हैं और उनमें से ये जो लोग हैं ये सब 19 और 24 वर्ष के उम्र का रेंज रखा गया इन लोगों को लिया गया और इनके पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी मैंने पेट स्कैनिंग की गई जिससे उनके ब्रेन में क्या चेंजेज आती हैं जब वो म्यूजिक सुनते हैं और जब वो न्यूट्रल म्यूजिक सुनते हैं तब क्या फ़र्क है जब वो एक बहुत अच्छा म्यूजिकल पीस सुनते हैं तो क्या फ़र्क है और साथ ही साथ उनका पल्स रेट हार्ट रेट बी और ब्लड के सैंपल्स आफ्टर दे हैव लिसन टू न्यूट्रल म्यूजिक और फिर जब वो दूसरा खूबसूरत म्यूजिक सुनते हैं उस म्यूजिक के सुनते समय पर एक सैंपल ब्लड का लिया गया ये देखा गया जब न्यूट्रल म्यूजिक चला तो इट्स ओके बट जब उनका उस टाइम का जो फेवरेट Uh, कह सकते हैं कि बहुत अच्छा पीस था म्यूजिक का जब वो सुनाया सुनाया गया नॉट ओनली देर बट स्कैन शोइंग चेंजेस कमिंग अप इन द ब्रेन स्पेशली इन द प्लेजेंट जो हमारे प्लीजिंग ज़ोन्स हैं ब्रेन में देर स्टार्टेड लाइटिंग अप और जब ब्लड का सैंपल जो लिया गया जब उसको देखा गया तो उसकी टेस्ट रिपोर्ट में यह आया कि दे वर हैविंग गुड अमाउंट ऑफ डोपामाइन इन देर ब्लड एंड द म्यूजिक वॉप्ड एंड देन अगेन प्लेड और एंटीसिपेशन कि अच्छा फिर वही आएगा या पता नहीं क्या आएगा उस एंटिसिपेशन में उस अच्छे संगीत को सुनने की उत्सुकता और क्योंसिटी में भी उनकी हार्ट जो है वो खुशी में और उनकी जो ब्रेन की जो सीनरी ली जा रही है थ्रू द पेट स्कैन इट इज शोइंग दैट दे आर इन्जॉइंग अगर आप किसी अपने पसंदीदा म्यूजिक फॉर्मेट को आप कभी सुनने गए हों मुश्किल है ना फिल्मों का शौक है आपको शॉपिंग का शौक है लेकिन एक अच्छे संगीत का शास्त्रीय संगीत का या कहीं जहाँ बैठ के आप सुने किसी कॉन्सर्ट को किसी ऑर्केस्ट्रा को किसी क्लासिकल रेनेडिशन को हिंदुस्तान में अभी भी कुछ कुछ प्रदेश ऐसे हैं जहाँ अभी शास्त्रीय संगीत को बहुत शौक से पैसा खर्च करके टिकट लेके बैठ के सुनते हैं अब जिन लोगों ने आमने सामने बैठ करके के अच्छे किसी संगीतज्ञ को सुना है तो उन उनसे कभी बात करिए तो कहते हैं कि जहाँ वो सही सुर लग जाए जहाँ वो सही कोमल सुर लगाने चाहे तो वो लगे हों और जहाँ उन्होंने मींड लिया था या जहाँ उन्होंने वो हरकत दी थी कहे पूरे शरीर में ऐसे रोम जो है वो खड़े हो जाते घूस हो जाते आंख से आंसू बहने लग जाते शास्त्रीय संगीत और उसमें भी पंडित रविशंकर की सितार का प्रयोग एक यूनिवर्सिटी में किया गया था प्लांट्स के ऊपर एक ग्रुप ऑफ प्लांट्स को शास्त्रीय संगीत सुनाया गया सितार एक ग्रुप ऑफ प्लांट्स को हार्ड रॉक म्यूजिक सुनाया गया प्रभाव के आया जिन्हें शास्त्रीय संगीत सुनाया गया वो सारे बहुत रिष्ट पुष्ट और बहुत हेल्दी पौधे उगे और जिनको वो हार्ड रॉक सुनाया गया था दे ऑल विल्टेड गर्दने फेंक दी जैसे कमजोर हुए और इस पर और भी बहुत सारे प्रयोग किए गए जैसे डेयरी फार्म्स में गायों को अच्छा संगीत सुनाया गया गायों ने दूध ज्यादा दिया गाय कम बीमार हुई ध्वनि का प्रभाव हम देखते हैं पौधों पर हम देखते हैं पशुओं पर और हम देखते हैं मनुष्यों पर साउंड थेरेपी साउंड साँन्ट के द्वारा हीलिंग का चलन हुआ अब देखिए इसमें ना आते ही ना बहुत बड़ बड़े सारे खराब खोपड़ी वाले लोग आ जाते हैं ना तो वो उसमें अपने इकोनॉमिक्स जोड़ देते हैं तो उसको वो बिजनेस मॉड्यूल बना लेते भारत में भी चल पड़ा है वो चलन क्योंकि जो बाहर से यहां आता है ना इंपोर्ट होकर वो सब क्विकली चलता है क्योंकि वहां चल रहा है ना उस देश में चूंकि वहां चल रहा है इसलिए हमको भी चलाना है लेकिन उसके पीछे वैलिड रीजंस हैं सोनिक साउंड्स का प्रभाव आया सोनिक साउंड जो जिनकी फ्रिक्वेंसी ऐसे आप लगाएंगे तो कहेंगे तो कुछ भी नहीं आ रहा अब इसमें कोई बेवकूफ बनाना चाहे तो बड़ा आसान काम हो जाएगा सोनिक वेव्स को इस्तेमाल किया जाता है ये ध्वनि की वो तरंगें हैं जिसके द्वारा समंदर की गहराइयों में कोई चीज ढूंढ रहे हैं कोई शिप ढूंढ रहे हैं तो वो सोनिक वेव्स यूज करते हैं इफ इट कम्स बैक इन द मीटर शोज इट दैट देर समथिंग डाउन देर फिर वो अपने डाइवर्स भेज करके उसका एक्सप्लोरेशन कराते हैं लिथो ट्रिप से ये पत्थरी को तोड़ने के लिए साउंड वेव को इस्तेमाल किया जाता है, सर्जरी में इस्तेमाल हो रहा है।